keep, put, दोनों ही काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। कीप और पुट में डिफरेंस क्या होता है या फिर इनका मीनिंग ही अलग होता है। अब देखिए, कीप और पुट दोनों का मतलब होता है रखना। दोनों का मतलब क्या होता है? रखना। अब देखिए, सबसे पहले कीप की जो सेकंड फॉर्म होती है वो कैप्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी कैप्ट होती है, लेकिन पुट की पुट पुट पुट, जैसे कट 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 वैसे पुट पुट पुट। अब डिफरेंस क्या है? देखो, कीप हम यूज करते हैं इमोशन। इमोशन से क्या मतलब है? अगर मुझे बोले कि इस पेन को नीचे रखो तो मैं क्या कहूंगी? कीप इट डाउन, या मैं ये भी कह सकती हूँ पुट इट डाउन। दोनों ही तरीके बिल्कुल करेक्ट है। अब कीप हम ऑब्जेक्ट के लिए तो यूज करते ही हैं, इसके साथ हम इमोशन के लिए भी यूज करते हैं। इमोशन मतलब, जैसे मैंने आपको कोई बात बताई और मैंने कहा इसे सीक्रेट रखना, तो मैं क्या कहूंगी? कीप इट सीक्रेट। क्या बोलूंगी मैं? कीप इट सीक्रेट। मैं यहाँ पे पुट इट सीक्रेट नहीं कह सकती हूँ, तो आएगा कीप इट सीक्रेट। लेकिन पुट आप बस किसके साथ यूज करते हैं? चीजों के साथ। अब देखिए, आई केप्ट योर पेन, यहाँ पे यू नहीं आएगा, यहाँ पे योर आएगा। आई केप्ट योर पेन ऑन द टेबल, मतलब क्या है कि मैंने तुम्हारी पेन कहाँ रखी? केप्ट का मतलब क्या है? पास्ट है, तो सेकंड फॉर्म है, राइट? तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारी पेन टेबल पे रखी, तो है आई केप्ट योर पेन ऑन द टेबल। इसी को मैं इस तरीके से भी कह सकती हूँ, आई पुट योर पेन ऑन द टेबल। दोनों ही वेज करेक्ट है। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कीप प्लस आईएनजी। देखिए, बहुत बार मैं ऐसे बोलना होता है ना, यार मेरा भाई पूरे दिन भर खेलता रहता है, ये तुम मुझे डांटती रहती हो, तो यहाँ पे क्या शो होता है? रेपिटेशन शो होता है, ये काम होता रहता है, तो वहां पे हम कीप का यूज करते हैं। अब ध्यान से देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट के बाद अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको क्या यूज करना है? सिंगुलर के साथ आप लगाएंगे कीप्स, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप क्या यूज करेंगे? कीप। सिंगुलर के साथ कीप्स और प्लूरल के साथ कीप, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, जब भी कीप आएगा, कीप के बाद हमेशा आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। देखिए, मैंने कहा शी कीप्स स्कोल्डिंग हिम, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले शी, शी मतलब कोई लड़की की बात हो रही है। अब क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? कीप्स। तो आएगा शी कीप्स, डांटने को बोलते हैं स्कोल्ड, तो आएगा शी कीप्स स्कोल्डिंग हिम। नेक्स्ट है दे कीप, सॉरी, ही कीप्स प्लेइंग गेम, मतलब क्या है? वो गेम खेलता रहता है, तो आएगा ही कीप्स प्लेइंग गेम। दे कीप वॉचिंग टीवी, यहाँ पे क्योंकि दे था, दे प्लूरल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एसओरियस नहीं लगाया, तो आएगा दे कीप वॉचिंग टीवी। ही कीप्स स्टडिंग, इसका मतलब क्या है? वह क्या करता रहता है? पढ़ाई करता रहता है। तो जब हमें ऐसे बोले कि यार वो खेलता रहता है, ये फॉर वो मुझे डांटती रहती है, तो यहाँ पे की प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस में करना है तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल याद होगा, जहाँ पे हम डू और डस का यूज करते हैं। अब आपको पता है कि डस कहाँ पे यूज करते हैं? सिंगुलर के साथ। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो आपको डस का यूज करना है। वही अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो किसका यूज करेंगे? डू का। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, वर्ब पे एसोरियस नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे डू और डस का यूज कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा शी डजंट कीप स्टडिंग, वो पढ़ाई नहीं करती रहती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? शी डजंट कीप स्टडिंग। वही आई डोंट कीप प्लेइंग, जैसे मामा बोलते ना भैया तुम खेलते रहते हो, तो आप बोलते ना मम्मी मैं खेलता नहीं रहता हूँ, तो क्या आएगा? आई डोंट कीप प्लेइंग। सेम दे भी प्लूरल पे आएगा, दे डोंट कीप वॉशिंग टीवी, कोई टीवी नहीं देखते रहते तो दे डोंट कीप वॉशिंग टीवी। आई डोंट कीप सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाता रहता हूँ, तो आएगा आई डोंट कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पे क्या है? डू डज है, उसको पैरेलल यूज करना है। डू डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका डू डज आएगा। सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू। फिर यहाँ पे आएगा कीप, और जैसे मैंने कहा हमेशा आईएनजी फॉर्म, आप कीप के बाद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा यहाँ पे सब्जेक्ट को क्वेश्चन मार्क आएगा, डज शी कीप प्लेइंग, क्या वो खेलती रहती है? जैसे मैंने किसी को देखा वो सुबह भी खेल रहा, शाम को भी खेल रही, मैंने कहा यार क्या खेलती रहती है, तो मैं क्या बोलूंगी? डज शी कीप प्लेइंग। डू यू कीप हैंगिंग आउट, ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो घूमते रहते हैं, तो आप कह सकते हो उनको डू यू कीप हैंगिंग आउट, क्या तुम घूमते रहते हो, तुम्हारा कुछ काम नहीं है। वही डू यू कीप आस्किंग क्वेश्चन, क्या तुम क्वेश्चन पूछते रहते हो, तो आएगा डू यू कीप आस्किंग क्वेश्चन। डज शी कीप सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाती रहती है, तो आएगा डज शी कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। डू दे कीप स्कोल्डिंग हिम, क्या वे उसे डांटते रहते हैं, तो आएगा डू दे कीप स्कोल्डिंग हिम। अगर होगा हाँ वो उसे डांटते रहते, तो आएगा यस दे कीप स्कोल्डिंग हिम, या फिर हर, लड़की होगी तो हर, लड़का होगा तो हिम। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना, अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पास्ट में हमेशा हम कौन से फॉर्म यूज करते हैं?
सेकंड, तो यहाँ पे कीप की जो सेकंड फॉर्म में होगी कैप, तो आपको बस यहाँ पे कैप का यूज करना है। देखिए सब्जेक्ट कैप, और आपको पता है कीप के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे भी आईएनजी होगा, राइट। अब देखिए देखिए प्योनी व्हेन यू वर डिलीवरिंग स्पीच, ऐसे कभी कभी हो जाता है आपके साथ, जब आप स्पीच देते तो सारे बच्चे क्या हैं, ये फिर सारे लोग क्या हैं, ऑडियंस सबकी जमाई लेती रहती है। तो मैंने कहा भाई जब तुम when you were delivering speech, जब तुम स्पीच दे रहे थे, एवरीवन kept yawning, सबके सब जमाई ले रहे थे, राइट। तो यहाँ पे कीप का क्या हुआ, kept, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। Same, I was very tired and I kept sleeping, मैं बहुत टायर्ड और मैं सोता रहा। हाँ कभी कैसे होता है ना, बहुत टायर्ड रहते हैं और अगर हम क्लास अटेंड करेंगे तो पूरी क्लास में जमाई लेते रहते हैं, ये फिर क्या है, बहुत टायर्ड रहते हैं तो सोते रहते हैं, ठीक है। When I cracked the joke, they kept laughing. जब मैंने देखो joke मारने को बोलते हैं crack the joke. जब मैंने joke मारा तो सब क्या है, सब हंस रहे थे, सब क्या है, हंसते रहे, तो सब हंसते रहे, तो अगर they kept laughing, मतलब वे लोग जब मैंने joke मारा तो वे हंसते रहे। When I cracked the joke, they kept laughing. अगर मुझे इसका negative make करना है तो आपको पता है आप क्या करते हैं, did लगा के, और ये क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्यों, क्योंकि डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे डिड आ जाता है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो सब्जेक्ट डिड नॉट कीप आईएनजी फॉर्म। देखिए मैंने कहा शी डिडंट कीप स्टडिंग, क्या है, वह पढ़ाई नहीं करती रही, तो आएगा शी डिडंट कीप स्टडिंग। आई डिडंट कीप यॉनिंग, मैं जमाई नहीं लेता रहा, तो आएगा आई डिडंट कीप यॉनिंग। वही अब मुझे क्वेश्चन पूछने की, भाई तुम क्या ये करते रहते हो, जिसमें मैंने कहा क्या तुम सोए रहे, है ना, या फिर क्या तुम पूरी क्लास में जमाई लेते रहे, तो मैं बोलूंगी डिड, क्योंकि पास की बात है तो यहाँ पे डिड आएगा, तो अगर डिड यू कीप यॉनिंग इन द क्लास, क्या तुम लिखते रहे, तो अगर डिड यू कीप राइटिंग। एग्जांपल है डिड शी कीप प्लेइंग, क्या वो खेलती रही, तो अगर डिड शी कीप प्लेइंग। वही डिड यू कीप हैंगिंग आउट, क्या तुम घूमते रहे, तो डिड यू कीप हैंगिंग आउट। तो ये था हमारा कीप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपको मुझे कॉमेंट बताना है, डू यू कीप प्लेइंग गेम,